दोस्तों आप तो जानते हैं कि हमारा वीक यानी सप्ताह 7 दिन का होता है और हर दिन को अलग अलग नाम से जानते हैं, जैसे संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे एंड सैटरडे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि यस्टरडे के पहले दिन को और टुमारो के दूसरे दिन को क्या बोला जाता है? शायद आपके पास इस दिनों के लिए शब्द ही नहीं होगा। कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा। और दोस्तों क्या आप ये जानते हैं कि ट्रेन हमेशा ब्रिज क्रॉस करते समय हॉर्न क्यों देती है? तो आज मैं ऐसे उटपटांग सवालों के जवाब देने वाला हूँ, तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दिए घंटी को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, और आप वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों आपको अगर किसी ने पूछा कि कल को क्या बोलते हैं, आप बोलोगे यस्टरडे, और कोई आपको पूछेगा कि कल के पहले दिन को क्या बोलते हैं, तो आप क्या जवाब दोगे? शायद आपके पास इसके लिए कोई वर्ड नहीं होगा। और आपको कोई पूछे कि आज के दूसरे दिन को क्या बोलते हैं, आने वाले दिन को हम टुमारो बोलते हैं, पर टुमारो के दूसरे दिन को क्या बोलते हैं, जिसे हम हिंदी में परसों बोलते हैं, उसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो दोस्तों आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ उसे याद रख लीजिए, क्योंकि आपको ये कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों आज को टूडे, कल को यस्टरडे, और यस्टरडे के पहले दिन को ईरी यस्टरडे कहा जाता है। एक बार ध्यान से स्पेलिंग देख लो, ईरी यस्टरडे। आज भी 99% लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं। और दूसरी बात, आने वाले कल को हम टुमारो बोलते हैं, मीन्स कल यानी टुमारो, और टुमारो का दूसरा दिन यानी परसों, इसे इंग्लिश में ओवर मारो कहा जाता है। आई होप आपको ये समझ में आए होंगे और आप इसे हमेशा याद रखेंगे। दोस्तों हमारा दूसरा सवाल ये है कि ट्रेन हमेशा ब्रिज को क्रॉस करते समय हमेशा हॉर्न क्यों देती है? दोस्तों वैसे तो ट्रेन हर एक ब्रिज पर हॉर्न नहीं देती, और ट्रेन के अलग अलग हॉर्न का अलग अलग मीनिंग होता है। नॉर्मली जब ट्रेन ब्रिज को क्रॉस करने वाली होती है तो हॉर्न बजाती है, ताकि कोई ब्रिज पर इंसान या फिर कर्मचारी हो तो वो अलर्ट हो जाए और सुरक्षित जगह पर चला जाए। आपने देखा होगा कि ट्रेन के ब्रिज पर भी कुछ जगह जो होते हैं जहां लोग किसी कारणवश ब्रिज पर होंगे तो वो लोग उस जगह पर आके इकट्ठा हो सकते हैं। तो यही एक रीज़न होता है ट्रेन का ब्रिज क्रॉस करते वक्त हॉर्न बजाने का। तो आए दोस्तों आज की इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी, जानकारी कैसे ली किसके बारे में हमें कमेंट करके जरूर बताइए। वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, और स्क्रीन पर आपको जो दो वीडियो दिख रही है उनको भी आप जरूर वॉच कीजिए। तो मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक।